हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल जस्ट एग्ज़ाम में। आज की जो ये वीडियो है, इसमें हम लेके आए हैं आपके लिए यूपी पीसीएस में पूछे जा सकने वाले जीएस के सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगेगा और हेल्पफुल लगेगा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी जरूर दबाएँ ताकि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश और वंशानुचरित संकेतक हैं। ऑप्शंस हैं ए वेदों के, बी पुराणों के, सी उपनिषदों के और डी सूत्रों के। और यहां जो राइट आंसर है वो है बी पुराणों के। अगला प्रश्न, कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की। ऑप्शंस हैं ए वारंगल, बी नागलापुर, सी उदयगिरी या डी चंद्रगिरी। और यहां जो राइट आंसर है वो है सी उदयगिरी। अगला प्रश्न है, गुलाम का गुलाम किसे कहा गया है। ऑप्शंस हैं ए मोहम्मद गोरी, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी बलबन या डी इल्तुतमिश। और यहां जो राइट आंसर है वो है इल्तुतमिश। अगला प्रश्न, बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में कब पराजित किया था। ऑप्शंस हैं ए 1527 ईस्वी में, बी 1526 ईस्वी में, सी 1525 ईस्वी में या डी 1528 ईस्वी में। और यहां जो राइट आंसर है वो है बी 1526 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था। ऑप्शंस हैं ए बौद्ध, बी जैन, सी शैव या डी शाक्त। और यहां जो राइट आंसर है वो है बी जैन। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के पश्चात गांधी जी ने अपना प्रथम सफल सत्याग्रह शुरू किया था। ऑप्शंस हैं ए चंपारण में, बी चौरी चौरा में, सी बालदोली में या डी डांडी में। और यहां जो राइट आंसर है वह है ए चंपारण में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था। ऑप्शंस हैं ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बी सी आर दास, सी आशुतोष मुखर्जी या डी रविंद्रनाथ टैगोर। और यहां जो राइट आंसर है वो है ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अगला प्रश्न, निम्न आंदोलनों में से किस एक के साथ अरुणा आसफ अली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों के महिला संगठनात्मक के रूप में था। ऑप्शंस हैं ए सविनय अवज्ञा आंदोलन, बी असहयोग आंदोलन, सी भारत छोड़ो आंदोलन या डी स्वदेशी आंदोलन। और यहां जो राइट आंसर है वो है सी भारत छोड़ो आंदोलन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने सभी गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ऑप्शंस हैं ए जवाहरलाल नेहरू, बी बी आर अम्बेडकर, सी वल्लभ भाई पटेल या डी राजेंद्र प्रसाद। और यहां जो राइट आंसर है वो है बी बी आर अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विहार का संस्थापक कौन था। ऑप्शंस हैं ए गोपाल, बी देवपाल, सी धर्मपाल या डी महिपाल। और यहां जो राइट आंसर है वो है सी धर्मपाल। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा था कि यह एक निष्ठुर बर्बादी है। ऑप्शंस हैं ए मदन मोहन मालवीय, बी रविन्द्रनाथ टैगोर, सी शौकत अली या डी मोतीलाल नेहरू। और यहां जो राइट आंसर है वह है बी रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न, सत्य शोधन समाज की स्थापना किसने की थी। ऑप्शंस हैं ए दयानंद सरस्वती, बी ज्योतिबा गोविंद राव फूले, सी महात्मा गांधी या डी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और यहाँ जो राइट आंसर है वह है बी ज्योतिबा गोविंद राव फुले। अगला प्रश्न,